दर्शन मात्रे यांच्या शुभ हस्ते पास करतो दोन्ही संघाचा कर्णधार पुढे यायचा थोडस पिच्चपर्यंत मला इथे येणार नाही दोन संघांना पास होणार आहे सुपर गेम पैंथर्स टास्क टू विन आर चूज फील्ड फर्स्ट तर पैंथर टू विन तर विनंती असेल क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय फिल्डिंग घेतलंय सन्माननीय हितेश दादा घर त्यांना विनंती करतो की त्यांनी ज्यावेळेस मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्यायचा आहे तर मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आपण बघतोय अमित ह्याने यायचं आहे ग्राउंड मध्ये अमित मॅन ऑफ द मॅच पाच रन देऊन आपण बघतोय तीन गडी बाद केलेत आणि बॅटिंग मध्ये चार धावा ग्राउंड मध्ये मैदानात हितेश घरत यांच्या शुभ हस्ते यांना मॅन ऑफ द मॅच दिलं जात आहे सन्माननीय राज पाटील यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर केलं गेलं जोरदार टाळा वेल प्लेड वेल बॉल्ड आपण बघतो यावेळेस अमित मॅन ऑफ द मॅच कॉंग्रॅच्युलेशन दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू यायचं आहे पारसनाथ सुपर किंग्स आणि पारसनाथ पॅन्थर्स अमित नेक्स्ट मॅच में मॅन ऑफ द मॅच टी शर्ट पेहन नाही पारसनाथ सुपर किंग्स एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज और पारसनाथ पैंथर्स का एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पे भेज दीजिए तर आपण बघतोय हा रंग संग्राम रंगला जातोय अप्रतिम सामना पहिल्यांदा जरी 23 धावा दिल्या असल्या तरी आपण बघतोय शेवटच्या षटकामध्ये मॅच गेला होता आणि आपण बघतोय अप्रतिम क्रिकेट यावेळेस सुरुवातीला आपण बघतोय बॉक्स क्रिकेट एकंदरीत आपण बघतोय या मैदानामध्ये पारसनाथ प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून बघायला मिळतंय तर दुसरा सामना या लीग मधला आपण बघतोय पारसनाथ सुपर किंग्स आणि पारसनाथ पॅन्थर्स या दोन संघादरम्यान येस बॅट्समन एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दी ना प्लीज पारसनाथ येस येस सांगतील तुम्हाला अंपायर सांगतील स्ट्राइक एंड पे अजय बल्लेबाज और नाउ स्ट्राइक एंड पे आपण देख रहे हैं राहुल महेश आणि आपण बघतोय राहुल ही जोडी राहुल गुप्ता बॉलर आपण बघतोय गोलंदाजी मार्कवर मॅच सुरू करा प्लीज विनंती असेल सामना सुरू करायचा आहे रवी बॉलिंग मार्कवर येताना दिसतोय स्ट्राइकरकडे महेश पहिला चेंडू क्लीन बोल्ड पहिली ही गेंद पे यहां पे विकेट का पतन और जीरो पे आउट होते हुए महेश नेक्स्ट बॅट्समन विनय पारसनाथ प्रीमियर लीग देख रहे हैं और यहां पे बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है दोनों टीम यहां पे देख रहे पहली बार आमने सामने पारसनाथ सुपर किंग्स और पारसनाथ पैंथर्स अगली वाली गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पे प्लेसमेंट देखने को मिल रही है एक गेंद मुकम्मल किया और डिक्लेरेशन जोन में गेंद जाती हुई स्ट्राइक वापस रहेगी राहुल गुप्ता विनय इनको रहेंगी बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक एक रन डिक्लेयर वापस मिलते हुआ स्कोर बढ़ता हुआ दो रन के ऊपर दो रन
यहाँ पे हो चुके हैं। अगली वाली गेंद रवि की, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन सीधा गेंदबाज के हाथों में गेंद जाती हुई। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन सीधा हर्ष के हाथों में प्लेसमेंट होते हैं, लेकिन गैप ढूंढने में नाकामयाब रहते हुए बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, मतलब लेकिन एक रन रैली से नहीं रोक पाते। एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन एक विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे अगली ओवर का कमेंट्री करेंगे आदित्य। देवेंद्र हमारे नए बॉलर हैं। स्ट्राइक पे विनय, और इसी के साथ 1 रन इनके खाते में। स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये राहुल जी पूरी टाइमिंग ली उन्होंने, शॉट जोर से मारा पर सिर्फ 1 रन की प्राप्ति। 1-1 रन करते करते 6 रन तक पहुंचे हैं। और इसी के साथ दूसरी विकेट गवा दी है देवेंद्र जी, 3 रन बना के आउट। अब देखना यह है कि पारसनाथ सुपर किंग्स के अगले बैट्समैन कौन होंगे। अविनाश नए बैट्समैन, नॉन स्ट्राइक पे, स्ट्राइक पे राहुल गुप्ता। कुछ प्लानिंग चल रही है बॉलिंग टीम में शायद। एक रन, हल्का सा बॉल को छुआ और 1 रन मिल गया, वाह। जितनी जोर से मारा उतना रन नहीं मिल पाया, 1 ही रन इनके खाते में। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोन षटक संपले, दोन षटक समाप्ति, धाव संख्या, धाव फलकावर आपण बघतोय 8 धावा लागल्या गेल्या। तर दोन गड्यांच्या मोबदल्यात राहुल गुप्ता आपण बघतोय सलामीला आलेले फलंदाज अतिशय चांगल्या पद्धतीने यावेळेस फलंदाजी करतात। 3 धावा काढून नॉट आउट आपण बघतोय। यावेळेस अतिशय चांगला चेंडू आपण बघतोय, बॅकफुटला झाले गेले होते, टॅप करण्याचा प्रयत्न मात्र कुठेतरी आपण बघतोय कमी पडला गेलेला दिसतोय। पुढील चेंडू क्लीन बोल्ड, यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या गेल्यात, अतिशय चांगली गोलंदाजी, तालियों की आवाज आती यहाँ पे, आणि जी टाळ्या वाजताय त्याचं कारण आहे की चांगली गोलंदाजी होते। गोलंदाज आपण बघतोय गोलंदाजी मार्कवर, अमन नवीन फलंदाज येतोय, अमन तिवारी। विशाल यावेळेस आपण बघतोय डिरेक्ट डिक्लेरेशन झोन, फुलटॉस आणि गडी बाद, आणखी खातरा बसताना दिसतोय। आणि निश्चितच आपण बघतोय लहान मुलं एन्जॉय करताना दिसत आहेत या क्रिकेटला, कुठेतरी आपण बघतोय शिकताना दिसत आहेत, आणि निश्चितच त्याच्यामध्ये कुठेतरी नवीन उमेद जागली जाईल क्रिकेट बद्दल आवड आपण बघतोय। निश्चितच ज्या पद्धतीने भारताला आपल्या देशाला पूर्णपणे आपण बघतोय या क्रिकेटचा वेळ आहे, आणि आपण दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत क्रिकेट खेळलं जात आहे, आणि या ठिकाणी आपण बघतोय पारसनाथ प्रीमियर लीग निश्चितच इथे बघायला मिळते। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय राहुल मिश्रा, आणि ऑन हॅट्रिक असणार आहे गोलंदाज, हॅट्रिक साधण्याची संधी आपण बघतोय यावेळेस गोलंदाजाला आहे। गोलंदाज विशाल आतापर्यंत मागच्या 2 चेंडूमध्ये 2 गडी बाद करतोय, हॅट्रिक साधू शकेल का हे बघणं महत्वाचं आहे। ऑन हॅट्रिक राहुल, नो बॉलचा इशारा पंताच्या माध्यमातून निश्चितच, आणि धाव बाद होणार आहे, लक्षात घ्या। बॉल काउंट राहील, बॉल काउंट किया जाएगा क्योंकि नो बॉल पे और 1 रन मिलेगा, आणि बॉल काउंट केला जाईल। नवीन फलंदाज येतोय रोहित मैदानामध्ये, फुल टॉस, नो चा इशारा पंताच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा, इथे मात्र 1+1 अशा 2 धावा मिळतात।
नो चा इशारा है निश्चित अंडरआर्म क्रिकेट अपन बगतो फुलटोस नो चा इशारा बन ये चांगला चेंडू टाक हाताळला गेला एक धाव पूर्ण गाडी बाजवण्याची शक्यता पंचांकडे अपील निश्चित नॉट आउट चा इशारा पंचांच्या माध्यमातून एक धाव मिळते एका धावीने धाव संख्येत भर धाव संख्या धाव फलकर आपण बघतोय तुम्ही जसं 12 रन वाईट चा इशारा पंचांच्या माध्यमातून खराब चेंडूची नोंद अवांतर धाव मिळते एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये सुपर स्ट्रोक वाडा गुड स्ट्रोक चेंडू जातोय सीमारेषे पलीकडे चार धावांसाठी अप्रतिम खणखणीत चौकार अप्रतिम ड्राइव्ह बघायला मिळाला व्यवस्थित फलंदाज आपण बघतोय अविनाशच्या माध्यमातून हसन पाच बॉल झालेत दोन नो टाकले होते अजून एक चेंडू असेल सेवेंटीन रन ऑन द बोर्ड 17 रन हो चुके हैं यहाँ पे इतने मात्र अपन बघतो निश्चित प्रयत्न केला गेला होता निश्चित मात्र डॉट चेंडू बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक अप्रतिम फटका अपन बघतो चार धावा मिलता है चार धावे धाव संख्या अपन होते 21 धावा 21 रन ऑन द बोर्ड सुपर स्ट्रोक खराब फील्डिंग देखने को मिलती हुई यहाँ पे इस टीम के ओर से नो गेंद और एक चौका व्हाट अ बैटिंग सुपर बैटिंग तालियों की आवाज आती हुई यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रन संख्या 26 रन और एक टैप और यहाँ पे इस बार एक ही रन मिलेगा इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रनों के ऊपर यहां पे स्टंप आउट की अपील लेकिन नॉट आउट अंपायर डिसीजन रन संख्या 27 रन 27 रन्स ऑन द बोर्ड लॉस ऑफ 5 विकेट्स गेंदबाज नंदू अविनाश अब स्ट्राइक पर अगली वाली गेंद बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट और यहां पे रन आउट की चांस और रन आउट और एक विकेट का पतन अविनाश आउट होते हुए रन संख्या 27 पर न्यू बैट्समैन प्लीज रोहित नया बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लेकिन इस बार फील्डर का काम बैट्समैन ने किया है इस बार और किशन आउट होते हुए चार ओवर के चार ओवर के बाद स्कोर कुल मिला के 27 रन और 28 रन की दरकार जीतने के लिए यहां पे पारसनाथ पैंथर्स टीम के लिए तो नेक्स्ट टॉस के लिए जाने वाले हैं अभी इसके बाद में दो टीम में टॉस होने वाला है पारसनाथ स्पार्टन्स और गरज चैलेंजर्स गरज चैलेंजर्स पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलेगी और पारसनाथ स्पार्टन्स जो पहला मैच जीत चुके हैं इस प्रतियोगिता में इस लीग में तो उनके भी हौसले बुलंद होंगे 28 टू विन इसके बाद होने वाला मैच पारसनाथ स्पार्टन्स और गरज चैलेंजर्स ये दो टीम के बीच में तो दोनों संघाना विनंती असेल तैयार रहा है पारसनाथ पैंथर्स स्पार्टन्स और गरज चैलेंजर्स
27 रन पिछले मैच से 5 रन ज्यादा बनाए फर्स्ट इनिंग में। पिछले मैच में पारसनाथ पायरेट्स 22 रन पे 6 विकेट गवाए थे और इन्होंने 27 रन बनाए हैं। विकेट तो इन्होंने भी 6 गवाए हैं लेकिन 5 रन ज्यादा है। और इनमें से 27 रन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है रोहित का ही होगा जिन्होंने पारसनाथ सुपर किंग्स में से सबसे ज्यादा रन बनाए। और स्ट्राइक पे हैं कौन है, स्ट्राइक पे कौन है? पारसनाथ पैंथर्स के एक प्लेयर को यहां भेज दीजिए प्लीज जल्दी। विशाल स्ट्राइक पे 1 रन। और उसको आराम से छू गया और ये मिस फील्डिंग, मिस फील्डिंग का बहुत ही अच्छा नमूना। जहां विकेट होने वाली थी वहां 2 रन मिल गया है, 3 रन। विकेट तो ली नहीं और 3 रन गवा दिए। इसी के साथ 2 बॉल में स्कोर हो गया है 4 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही शातिराना तरीके से बैटिंग कर रहे हैं विशाल। डॉट बॉल अट्ठाईस टू विन है और जिस स्पीड से जा रहे हैं बहुत ही आसान, बड़ी ही अच्छी फील्डिंग। सात रन बिना किसी नुकसान के, 7, 8। गजब की फील्डिंग राहुल गुप्ता द्वारा, कप्तानी फील्डिंग की है इन्होंने। 18 गेंदों में 20 रन की जरूरत है 18 गेंदों में। अगर आराम से 1 रन 2 रन भी करते हुए आगे बढ़े तो भी जीत मिल सकती है। और इस समय ये शायद पहला ही इनिंग है जिसमें कि 1 ओवर हो गया और 1 भी विकेट नहीं लिया गया। विकेट की जरूरत है, तरकार है, तरकार है मेरे बाजू में एक भाई ने बोला। और रोहित बल्लेबाजी में तो उन्होंने अपना जलवा दिखाया है, बॉलिंग में देखते हैं क्या करते हैं। 1 रन, ऐसे नहीं चलेगा। अगर सुपर किंग्स को यह मैच जीतना है तो विकेट की बहुत जरूरत होगी। और इसी के साथ विकेट का पता नहीं चौका लग गया है और यह चौका लगा है विशाल के बल्ले से। जोरदार तालियां राहुल के बल्ले से, राहुल ने मारा है, राहुल ने। दो रन। और इसी के साथ तीन ही बॉल में 7 रन आ चुके हैं। नो बॉल, गरीबी में आटा गीला। 16 रन, और एक और चौका। जितना रन रोहित ने अपने पारी में बनाया था सबका हिसाब कर रहे हैं, जितना रन उन्होंने बनाया था सूद समेत वापस कर रहे हैं। और इसी के साथ स्कोर हो गया 20। 2 ओवर से ज्यादा बाकी है और सिर्फ 8 रन चाहिए, 14 गेंदे 8 रन। और एक और चौका, ये तो कुछ ज्यादा ही महंगे हो गए। 5 रन,
इस ओवर में दो चीजों की बहुत बरसात हो रही है, एक चौके की और एक नो बॉल की। कितना चाहिए, 14 पे 3, 13 पे 2, 13 पे 2 रन और ये पहला विकेट। पर अब चिड़िया तो चुग गई खेत, अब विकेट लेके क्या फायदा। दो ओवर और सिर्फ 2 रन, 13 बॉल 2 रन। और ये दर्शक दीर्घा से आवाज आ रही है कि अशोक डिंडा आए हैं बैटिंग करने। और चौका के साथ ये मैच जीत लिया है पारसनाथ पैंथर्स ने, और वो भी बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ। जोरदार तालियां पारसनाथ पैंथर्स के लिए। और पारसनाथ सुपर किंग्स ने जितना रन बनाया नहीं उससे ज्यादा गवाया है, ठीक है। और इसी के साथ नेक्स्ट मैच है पारसनाथ स्पार्टन्स वर्सेस घरत चैलेंजर्स। घरत चैलेंजर्स की ये पहली मैच होगी और वही पारसनाथ स्पार्टन्स पारसनाथ पायरेट्स को हरा के इस दूसरे मैच में आ रहे हैं। जोश बहुत रहेगा तो बस देखना ये होगा कि जोश किसका भारी पड़ता है।